अल्टिमा इकोसिस्टम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हमारी प्रमुख स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी से परिचित कराएंगे। दुनिया भर में हमारे लगभग 3 मिलियन यूजर्स द्वारा स्प्लिटिंग का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी लोगों को महंगे टूल्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के गहन ज्ञान की आवश्यकता के बिना प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। स्प्लिटिंग को मैनेज करने के लिए स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ स्मार्टफोन होना पर्याप्त होगा। स्प्लिटिंग क्या है? स्प्लिटिंग से यूजर्स को अपने स्मार्ट वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी रिवॉर्ड्स प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। रिवॉर्ड्स के साथ स्प्लिटिंग वर्तमान समय में अल्टिमा में उपलब्ध है। आप हर 24 घंटे में एक बार रिवॉर्ड का दावा कर सकते हैं। रिवॉर्ड कुछ ही क्षणों में स्मार्ट वॉलेट में आपके अल्टिमा वॉलेट एड्रेस पर पहुंच जाएगा और तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। स्प्लिटिंग किस तरह काम करती है? स्प्लिट टोकन और पूल स्प्लिटिंग एक लिक्विडिटी पूल पर आधारित है, एक बंद और आत्मनिर्भर विकेंद्रीकृत प्रणाली। मूलतः लिक्विडिटी पूल एक बड़ा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट है। इसमें ऐसी क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं जो दशकों से फ्रोजन हैं। यह वॉलेट विकेंद्रीकृत है, इसका कोई मालिक नहीं है। यह केवल ब्लॉकचेन से संबंधित है और केवल ब्लॉकचेन ही बैलेंस शीट पर स्टोर टोकन का निपटान कर सकता है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के स्पष्ट नियमों के अनुसार पूल से रिवॉर्ड जारी करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एल्गोरिथम में लिक्विडिटी लाने वाले यूजर को पुरस्कृत करने का नियम होता है और रिवॉर्ड का अधिकार विशेष शेयरों स्प्लिट्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्प्लिट्स एक प्रकार के ऐसे टोकन हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है, यूजर के रिवॉर्ड के अधिकार को निर्धारित करना। हर दिन पूल में एक निश्चित संख्या में यल्टिमा टोकन वितरित किए जाते हैं, जिसे प्रतिभागियों के बीच स्प्लिट टोकन की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है और यूजर के पास जितने अधिक स्प्लिट्स होंगे उसका रिवॉर्ड उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक स्प्लिट के लिए संपन्न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्लॉकचेन प्रतिदिन रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करता है। यह रिवॉर्ड समय में सीमित नहीं होता है। स्प्लिट टोकन के आज के मालिकों के बच्चे और पोते टोकन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वर्तमान समय में ब्लॉकचेन में कई पूल काम कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने प्रतिभागियों के बीच रिवॉर्ड्स वितरित करता है। पूल प्रतिभागियों के बीच रिवॉर्ड्स कैसे वितरित किया जाता है? वितरित रिवॉर्ड की राशि वॉलेट पर स्प्लिट को स्टोर करने के समय और हाल्विंग की अवधि पर निर्भर करती है। हाल्विंग मार्केट में अल्टिमा टोकन की आने वाली सप्लाई को लगातार आधा करने की एक प्रक्रिया है। हाल्विंग का मुख्य लक्ष्य नए टोकन के लॉन्च को कम करके क्रिप्टोकरेंसी मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। पूल के प्रकार के आधार पर साल में एक बार या हर 6 महीने में हाल्विंग किया जाता है। वर्तमान समय में प्रत्येक पूल प्रतिभागियों के बीच उनके स्प्लिट्स की संख्या के अनुपात में प्रतिदिन 25 टोकन वितरित करता है। इस राशि को प्रतिभागियों द्वारा रखे गए स्प्लिट टोकन की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। प्राप्त वैल्यू को किसी विशेष यूजर के लिए स्प्लिट टोकन की संख्या से गुणा किया जाता है और अंतिम संख्या माय एस्टिमेटेड रिवॉर्ड कॉलम में दिखाई देती है। यही रिवॉर्ड कहलाता है। अगले हाल्विंग के बाद वैल्यू आधा हो जाएगी और प्रतिदिन एक टोकन तक पहुंचने तक घटती रहेगी। इसका मतलब यह है कि रिवॉर्ड की वैल्यू भी घटती जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पूल में शामिल होना ही उचित है। स्प्लिटिंग कैसे शुरू करें? स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, यह काफी आसान है। सबसे पहले आपको एक पूल का चयन करना होगा। पूल चुनने के बाद आपको एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना होगा। एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के लिए आपको DeFiU वेबसाइट पर अपने पर्सनल प्रोफाइल में उन विशेषताओं के साथ एक पैकेज का चयन करना होगा जो आपके लिए उपयुक्त हों। कॉन्ट्रैक्ट तैयार होने के बाद यूजर को प्राप्त होने वाले स्प्लिट्स की संख्या में पैकेज अलग अलग होते हैं। पैकेज के लिए भुगतान करने के बाद आपको प्राप्त स्प्लिट टोकन को अपने स्मार्ट वॉलेट में निकासी करनी होगी और आप
24 घंटे के भीतर अपने पहले रिवॉर्ड का दावा कर सकते हैं। रिवॉर्ड का अनुरोध करने के बाद एक नया काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और 24 घंटे के बाद आप दूसरा रिवॉर्ड प्राप्त कर सकेंगे। प्राप्त रिवॉर्ड्स का क्या करें? स्प्लिटिंग के लिए प्राप्त अल्टिमा को विभिन्न तरीकों से आसानी से पूंजीकृत किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज या आंतरिक एक्सचेंजर पर बेचें और फिएट में निकासी करें। अल्टिमा डेबिट कार्ड में बदलाव और ट्रांसफर और दुनिया के लगभग किसी भी देश में खर्च करना। इकोसिस्टम के आंतरिक मार्केटप्लेस पर फिजिकल तरीके से सामान खरीदें या एक नए स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करें जिससे आपके भविष्य के रिवॉर्ड्स बढ़ें। अल्टिमा की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनें। आज ही स्प्लिटिंग के जरिए रिवॉर्ड अर्जित करना शुरू करें और उन लाखों यूजर्स में शामिल हों जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए अल्टिमा को चुना है।